कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी काउंसिल का पहला इजलास का शोर शराबा नारेबाजी और हंगामाराई से आगाज हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जेर सदारत शुरू होने वाले इजलास में इब्तदा से ही कान पड़ी आवाज न सुनी दी गई। पीटीआई मुनहरिफ रुकन असद अमान को बात करने का मौका मिला तो पीटीआई के दीगर अरकान ने खूब एहतजाज किया। नारेबाजी से बात आगे बढ़कर हुल्लड़बाजी और गुत्तम गुत्ता हो जाने तक पहुंची। मेयर कराची अरकान को चुप कराते रहे लेकिन हंगामा कम न हुआ। कुछ अरकान तो डेस्क पर चढ़कर नारेबाजी में मसरूफ रहे। 40 मिनट तक जारी रहने वाले इजलास का अख्तिताम हाफिज नईम के खिताब पर हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगु करते हुए हाफिज नईम का कहना था कि पहले इजलास में मेयर कराची का तर्ज अमल दुरुस्त न था। इत्तेफाक राय सिर्फ तकरीरों से नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से नहीं होता, आप जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बयान जारी करें उससे नहीं होता। इत्तेफाक राय आपके एक्शन से होता है। बजट आप बैक डेट में पास कर लो, जमहूरियत दुश्मनी करो और कहो कि इजलास की कार्रवाई अच्छे बच्चों की तरह चलाएं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तहम जमात इस्लामी और पीटीआई के अरकान ने इजलास चलने ना दिया। इस बात का अयादा किया सबके सामने यार, मिलकर काम करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि टाउन के लेवल पे क्या डिफरेंट जमात इस्लामी है और नईमुर रहमान साहब के लेवल पर डिफरेंट जमात इस्लामी है। फैसला कर लेंगे, हम तैयार है काम करने के। ये ढोल बजाते रहेंगे, अपने डेस्क बजाते रहेंगे, नारेबाजी करते रहेंगे। हम इंशाल्लाह जो कानून साजी करनी है हम करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा। सिटी काउंसिल के पहले इजलास में स्वीडन वाकई के खिलाफ मजम्मती जबकि दो ताजियती करारदादें भी पेश की गयी। कैमरामैन बाबर अली के साथ वजी अब्दुल कादिर, कराची।